भिवंडी में बिजली प्राइवेट होने के बाद अब वाटर टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स भी होगा क्या प्राइवेट? भिवंडी के लोग कर रहे हैं विरोध। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी शहर में बिजली प्राइवेट होने के बाद अब वाटर और प्रॉपर्टी टैक्स वसूली प्राइवेट किया जा रहा है। भिवंडी शहर के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद लोग काफ़ी परेशान हैं और अब थोड़ी सी राहत सांस लेने का वक्त आया, तो वैसे ही भिवंडी शहर में वाटर और प्रॉपर्टी टैक्स वसूली प्राइवेट करने की बात सामने आने से लोग काफ़ी परेशान हैं, विरोध कर रहे हैं लोग इसका। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता फिरोज मेमन से फोन लाइन पर हम जानकारी लेते हैं। फिरोज मेमन, आप बताइए, सबसे पहला सवाल आपसे है कि पहले भी 2018 में ये प्रस्ताव आया था, उस वक्त भी इसका विरोध हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर ये प्रस्ताव जो है सामने आ रहा है, क्या है ये पूरा मामला? जी, 2018 में जब जावेद दलवी यहाँ के महापौर थे तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि भिवंडी के अंदर रिकवरी बहुत कम हो रहा है, वाटर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स का जो घर पति पानपट्टी कहते हैं उसका रिकवरी बहुत ही कम हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। जिस तरह से टोरेंट को प्राइवेटाइज किया था अपने बिजली को, तो टोरेंट जो है अच्छी बिल वसूल कर रही थी, तो इसी तरह से ये भी रिकॉर्ड रहा है कि जो भी प्राइवेट कंपनी रहती है उनकी रिकवरी रेट काफी हाई रहती है। तो यहाँ पे इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था जिसके ऊपर सभी नगर सेवकों ने विरोध किया था, और इसके ऊपर उन्होंने ये बताया था कि अगर 50% से ज्यादा अगर प्राइवेटाइज हो, सॉरी, उन्होंने ये बताया था कि अगर जो भी हम लोग वसूली करते हैं रिकवरी अगर 50% से कम होती है तो हम लोग इसको प्राइवेटाइज में भेजेंगे। इस तरह का प्रस्ताव, इस तरह का जो है पत्र इन्होंने सभी कॉर्पोरेटर से लिया था, काफी जिसमें से काफी लोगों ने इनकार भी किया था, लेकिन कुछ हद तक के जो कॉर्पोरेटर थे तकरीबन 25-30 कॉर्पोरेटर उन्होंने ये लिख के दिया था पत्र। अब यहाँ पे दोबारा जो कल महासभा हुई थी यहाँ पे भिवंडी महानगर पालिका में, तो उसमें जो एक माजी उप महापौर थे मनोज काटेकर, उन्होंने इसको प्रस्ताव को उसको वापिस से सामने रख के रखा, और वो भी आईटी वाली में जाकर रखा है ताकि लोगों को पहले से नहीं बताया था, एजेंडे में ये मौजूद नहीं था प्रस्ताव, उन्होंने आईटीवाड़ी में लाके इसको प्रस्ताव को रखा और जिसके ऊपर जो है वहाँ पे मंजूरी भी हो गई महासभा में, और इसको बोल रहे हैं कि अब आगे भेजा जाएगा इसको मंजूरी के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास में। तो यहाँ पे सभी जितने भी नगर सेवक है उन्होंने अपना विरोध जताया है कि ये पहले भी इस तरह का हुआ था। फिरोज मेमन, क्या ऐसी जानकारी सामने अभी तक आपको मिली है कि कौन सी वो कंपनी है जो ये फ्रेंचाइजी के तौर पर काम करेगी या पूरा संभालेगी, क्या है? जी, ऐसी कोई कंपनी अभी तक के नहीं सामने आया, किसी का भी नाम सामने नहीं आया कि किसको इन लोग एज ए फ्रेंचाइजी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना है कि अभी पहले कॉन्ट्रैक्ट के लिए लोग सोचेंगे, क्योंकि एक बार जब प्रपोजल पास हो गया, रिजोल्यूशन पास हो गया, उसके बाद में फिर ये लोग प्रस्ताव देंगे, दूसरी कंपनियों को इन्वाइट करेंगे, लेकिन अभी तक के ऐसा किसी भी कंपनी का नाम सामने नहीं आया। क्या माना जाए फिरोज मेमन, क्या माना जाए कि प्राइवेट होने से वाटर टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स ये बढ़ेगा या कम हो जाएगा, क्या माना जाए? क्योंकि बिजली प्राइवेट होने के बाद भिवंडी शहर के लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। देखो, जहां तक रिकवरी की बात है तो रिकवरी बढ़ जाएगी, लेकिन जो टैक्स का जो वृद्धि है वो बढ़ जाएगा। मतलब कैसा है कि जो टैक्स की जो साइज थी, समझो एक साल का जो है 3,000 रुपये आता था, तो वो अब बढ़ के जो है 3,500 या 3,500 रुपये आएगा, क्योंकि जो निजी कंपनी आएंगी वो खुद के भी तो चार्जेस लगाएंगी, और दूसरी बात ये भी है कि वो लोग जो है बहुत बारीकी से सारी चीजें देखेंगे, तो उसमें हो सकता है कि टैक्स बढ़कर ही आए, कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं आता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भिवंडी से फिरोज मेमन थे जो पूरी जानकारी दे रहे थे, और बताया जा रहा है कि ये प्रस्ताव भी पास हो गया है, आगे भी इसे प्रस्ताव को पास करने के लिए भेजा गया है, और अब कहीं ना कहीं जो है वाटर और प्रॉपर्टी टैक्स भिवंडी शहर में प्राइवेट करने की बात सामने आ रही है, जिसमें लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।